हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम इज़ परिवर्तन। चैप्टर जो है वो हिंदी रीडर का है और आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने छुट्टियों से पहले कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज वर्क। चैप्टर 3 हिंदी रीडर, चैप्टर नेम इज़ परिवर्तन। वेद प्रकाश मास्टर जी बड़े ही विनम्र, आदर्शवादी और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। कोई इनके व्यवहार में एक बार परिचित हो जाता तो यही सोचता सब क्यों नहीं वेद प्रकाश जी जैसे हो जाते। 20 वर्ष से एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे, लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। तो एक जो कहानी है वो एक व्यक्ति की है जो वेद प्रकाश उनका नाम था और एक मास्टर थे और वो बहुत ही विनम्र का मतलब बहुत ही प्यार से बात करने वाले, आदर्शवादी, उनके कुछ आदर्श थे और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे और सभी लोग उनका आदर सत्कार करते थे। 20 वर्ष से वे एक ही कस्बे में सरकारी अध्यापक थे, लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। वेद प्रकाश जी को इसी सप्ताह गांव में नियुक्ति हुई थी। पहले वो कहीं और पढ़ाते थे लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया था और उनको एक गाँव में पढ़ाने के लिए भेज दिया था। जब उन्हें अपनी नियुक्ति का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें तनिक भी बुरा ना लगा बल्कि अच्छा ही लगा कि कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। वे यह भली बात ही जानते थे कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता गांव में बसती है, उसे शिक्षित, साक्षर, संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। गांव वालों में प्रायः शिकायत होती थी कि जो अध्यापक यहां आते हैं वे बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। पर इस गाँव की स्थिति यह थी कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। तो जिस गांव में उन्हें भेजा था वहां पर यह था कि जो माता पिता थे वो बच्चों को चाहते ही नहीं थे पढ़ाना, क्योंकि वो उनसे बचपन से ही काम कराने लगते थे, जिससे क्योंकि वो गरीब होते थे और जिससे जो बच्चे कमा के लाते थे तो वो घर में थोड़ी सी हेल्प हो जाती थी। इसका प्रमुख कारण था गरीबी। छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता था जिससे परिवार की आय होती थी। उनके पढ़ने लिखने की बात को कोई भी महत्व नहीं देता था। मास्टर साहब के सामने अनेक चुनौतियां थी पर वे हार मानने वाले ना थे। तो मास्टर साहब को जो था कि जब बच्चे पढ़ने ही नहीं आते तो किसको पढ़ाएंगे, तो उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और उन्होंने कहा कि मैं ये सब चीज़ें सही करके मानूंगा। बच्चों को विकसित ना होने देने का मूल कारण क्या है, कहाँ है, वे इसे भली प्रकार जान गए थे। वह यह बात पूरी तरह सिद्ध हो गई थी कि जब तक प्रौढ़ों मतलब बूढ़ों के जो बुजुर्ग थे, प्रौढ़ों के विचारों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा का महत्व ना समझाया जाएगा तो वे अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो उनको समझ में आ गया कि जब तक इनको जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको ही नहीं समझाया जाएगा कि शिक्षा का क्या महत्व है तब तक वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय के साय के समय घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। यह वह समय था जब गांव के सभी युवक प्रौढ़ व बूढ़े चौपाल में गपशप करके समय बिताते थे, उनके पास खाली समय होता था। अब क्या करा उन्होंने, अपने ऑफिस में बात करके कहा कि मैं शाम को सुबह बच्चों को पढ़ाऊँगा और शाम को जो बुजुर्ग हैं उनको पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो शाम को जो बच्चे और ये बूढ़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो युवक होते हैं जो बूढ़े होते हैं शाम को बैठ के गपशप करते हैं, तो ये जो समय है मैं इस समय इनको पढ़ाऊंगा तो इनको शिक्षा का महत्व समझ में आएगा, जब इनको समझ में आएगा तो ये अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए भेजेंगे। मास्टर साहब स्वयं 10-12 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुला कर लाया। उनका मन तो नहीं था पर इस नीरस कार्य को करने में, परंतु वे मास्टर जी का आदर करते थे, सब विद्यालय में आकर बैठ गए। मास्टर जी उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओगे तो वह अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। बात एक दो की समझ में आ गई। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा 1 घंटा स्कूल में आके पढ़ लिया जाए तो उससे लाभ ही होगा। चलो थोड़े दिन ऐसा ही करके देखते हैं, कुछ लाभ होगा तो आएंगे, नहीं तो किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, साथियों ने कहा। अब वो कुछ युवकों को पकड़ के लिया और उन्हें समझाया कि अगर तुम कुछ पढ़ लोगे तो तुम अपने चिट्ठी पत्री और अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त कर सकोगे। तो 2-4 लोगों को समझ में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आ जाया करेंगे, अगर हमें कुछ लाभ होगा तो फिर हम आगे आएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर आना बंद कर देंगे। इस प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान नहीं कराते थे, तो मास्टर साहब केवल उनको पढ़ाते नहीं थे, उनको बाकी की जानकारियाँ भी देते थे।
अपितु उनके व्यवहारिक जानकारियां भी पुस्तकों से पढ़कर सुनाते, जैसे गांव में फैली बीमारियों से कैसे बचा जाए, सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है आदि आदि। तो वो केवल उनको यही नहीं पढ़ाते थे कि क्या कह गया और ये ABCD यानी कि अक्षर ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि उनको सामाजिक जानकारियां भी देते थे कि आपको बीमारी से कैसे बच सकते हैं, सरकार आपके लिए क्या क्या करती है, जो आपकी सहायता आप तक नहीं पहुंच पाती वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। यह जानकर सभी को लगता कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती है। अधिकांश गांव वाले यही सोचते थे कि केवल नौकरी करने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, पर अब उनका भ्रम मतलब उनका जो मतलब उनकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। अब ये दूसरों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाने को भी उतने विरुद्ध ना रहे थे, यानी कि अब उनको समझ में आ गया कि पढ़ाई का क्या महत्व है। तो अब धीरे धीरे लोगों में पढ़ाई के लिए जो अच्छी भावना थी वो आने लगी और उन्हें समझ में आने लगा कि बच्चों को पढ़ना जरूरी है। मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। उन्होंने एक काम और किया, स्कूली पढ़ाई के बाद वे एक घंटा बच्चों को रोके रखते। इस घंटे में वे छोटे छोटे बच्चों जैसे काम कराते जिससे उन्हें कुछ पैसा भी मिल सके। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था, उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना लेते, बनिया जब शहर जाता उन्हें बेचा था, जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते। इस प्रकार धीरे और काम भी प्रारंभ कर दिए थे। सुतली की पट्टी, मूंज के आसन, ढाक के पत्तों के दोने पत्तल यानी कि जो रस्सी होती है उसको बनवाना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो दोने पत्तल होते हैं उसको बनवाना शुरू कर दिया, जो लिफाफे होते हैं कागज़ के वो बनवाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चे जो होते थे स्कूल के बाद बनाते और फिर उनको शहर में बेच के और जो पैसे आते वो उन बच्चों में बांट दिया करते थे। तो वो जो बच्चे होते थे उनकी कमाई भी साथ साथ होने लगी थी। गांव से शहर कोई जाता तो मास्टर जी उसी के साथ सामान भेजकर बिकवा दिया करते। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमाई लेते थे। इस पर भी यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय वह भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है परंतु बड़े होकर तू यही तुम्हें सुख देगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी ना मारो। किताब कॉपी आदि सभी स्कूल से तो दी जाती हैं और यदि और फिर क्यों अपने बच्चों को इससे वंचित रख कर उसे भी अपने जैसा बनाना चाहते हो। मास्टर जी के बार बार समझाने पर यह फल यह होता कि यह व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों से ही संतोष करता और उसे स्कूल भेजने शुरू कर देता। मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावक के मन में यह भाव जग गया था कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। अब देखिए स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। स्कूल जाने से क्या होता है कि आप समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे अच्छा जीवन व्यतीत किया जाता है वो सीखते हैं। आपका भविष्य भी स्कूल जाने से बनता है। सच्ची लगन और निष्ठा के लिए किए गए काम कभी ना कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मास्टर साहब भी अपने प्रयासों में सफलता मिली, न केवल बालकों में अपितु बड़ों में पढ़ने की लगन लग चुकी थी। अब जो मास्टर जी थे वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे तो अब जो लोग थे वो उनका साथ देने लगे, लोगों को समझ में आने लगा कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो वो अपने खुद बच्चों को ही नहीं बल्कि खुद भी पढ़ने जाने लगे। मास्टर साहब न केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे अपितु अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के तीन लक्ष्य थे। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी। पूरे गांव की सफाई करना, वो क्या करते थे बच्चे, पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वे करते थे। गाँव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे। मास्टर साहब के संकल्प एवं अर्थव्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे दी थी। मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति। इस गांव में बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नवयुवकों का साथ भी ले लिया था। अब मास्टर जी ने क्या करा, पढ़ाई के साथ साथ उनको गाँव में भी साफ सफाई कैसे रखी जाए, सड़कें कैसे अच्छी रखी जाए वो सब करवाना शुरू कर दिया था। मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितेशी मानने लगा था। जो भी वह कहते वे सब ऐसा करने में ही जुट जाते। देखते देखते ग्राम में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा ली। अब क्या हुआ, जो उनका स्कूल कच्चा इमारत का था वो पक्की इमारत में बदल गया। लोगों ने खुद से ही वो इमारत पक्की कर ली। इसमें नवगठित युवक दल प्रायः व्यायाम करता। सुबह सुबह क्या होता था वहाँ पर, एक्सरसाइज करते थे जो भी गाँव के बच्चे थे।
दोपहर में बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था, दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते, रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन कथा कीर्तन होता और प्रौढ़ पाठशाला चलती। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ कचरे को खदेड़ दिया, गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गई, खेतों के पास कूड़ा घर जैविक खाद के गड्ढे बन गए, घरों को साफ सुथरा एवं लिपा पोता रखने की होड़ सी लग गई। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने मास्टर जी को स्कूल में वार्षिकोत्सव बनाने का सुझाव भी दिया। इससे अध्यक्ष पद के लिए वे जिलाधीश को लाए, जिलाधीश गांव को देखकर हर्षिभोर उठे, उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सरकार के इस आशय से भेजी कि सरकार उस गांव को आदर्श गांव योजना में ले। इस प्रकार सरकार की ओर से सभी विभागों व्यायामशाला कुटीर उद्योग प्रौढ़शाला आदि के लिए भरपूर सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। अब क्या हुआ, जिलाधीश जो मुख्य अतिथि उस वार्षिकोत्सव में आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी कि जो ये जो गांव है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो अब उस गांव को सरकारी सहायता भी मिलने लगी। अब मास्टर जी के पदोन्नति यानी कि उनका प्रमोशन भी हो गया था, इसके लिए निरीक्षक पद पर नगर में जाने का आदेश आया। यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए कि अब मास्टर जी हमें यहां से छोड़ के चले जाएंगे। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे ना जाने का घोर आग्रह किया तो वे उसे ठुकरा ना सके, स्थायी रूप से उसी गाँव में रहने का आदेश प्राप्त कर वह वहाँ रह गए। तो उन्होंने प्रमोशन लेने से मना कर दिया और कहा मैं गाँव में ही रहूँगा। वह गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसे सूझबूझ वाले लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाएं तो देश का कायाकल्प होते देर न लगे, गांव की प्रगति देश की सच्ची प्रगति संभव है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, अपने कर्तव्य का सच्चे मन से निर्वहन करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है इसके आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको शब्द अर्थ और खाली स्थान फिलअप करने हैं। तो आपको शब्द अर्थ जो है वो करने हैं कामना, कामना का मतलब इच्छा, नीरस, नीरस का मतलब उबाऊ, कायाकल्प, कायाकल्प का मतलब परिवर्तन से उच्च स्थिति की प्राप्ति, भ्रम किसी के बारे में गलत जानकारी, गलतफहमी, हितैषी भला चाहने वाला, खाली स्थान भरो, मास्टर जी गांव में बहुत कुछ करने की डैश लेकर आए थे, कामना लेकर आए थे, मास्टर जी के सामने अनेक डैश थी, चुनौतियां थी, सभी को शिक्षित साक्षर और डैश बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है, संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की डैश बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी, डैश गाँव को देख कर हर्षिभोर, जिलाधीश गाँव को देख कर हर्षिभोर हो। तो आपको हम PDF में सेंड कर देंगे जिसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। Thank you. Have a nice day.